Hello everyone. So our today's topic is elasticity of demand. जो इससे पहले previous video थी उसमें lecture था उसमें हमने discuss किया था theory of demand और उससे related जितने भी topic हैं मतलब क्या demand होता है और law of demand वो major हमने discuss किया था. जिसने वो video नहीं देखा है तो please पहले उसी video को देखना and after then you will shift to the this lecture. ठीक है otherwise क्या है फिर आधा अधूरा समझ आएगा उसका कोई benefit नहीं है. Fine. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अब हम डिस्कस करते हैं. व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्या होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इलास्टिसिटी, अगर हम मैं जनरल टर्म में कहूँ कि इलास्टिसिटी क्या होता है डिमांड का, प्राइस की इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से डिमांड में कितनी वेरिएशन आ रही है, दैट इज नोन एज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फॉर एग्जाम्पल कई गुड्स होते हैं जिनका प्राइस इंक्रीज हो जाता है और उनकी डिमांड में कोई असर नहीं पड़ता. कई गुड्स होते हैं जिसमें प्राइस हल्का सा इंक्रीज होता है और डिमांड क्या है बहुत ज़्यादा क्या है फॉल कर जाती है. तो ये सब क्या है इलास्टिसिटी के, प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने में डिमांड में कितनी वेरिएशंस आ रही है. फाइन, सो लेट्स रीड दिस. इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द क्वान्टिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, कि हमारा कितना परसेंटेज चेंज हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड में, हमारी डिमांड में कितना चेंज हुआ इन रिस्पांस टू द चेंज इन प्राइस. सो दिस इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि हमारी डिमांड कितनी इलास्टिक है. इट मेजर द वेरिएशन इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, कितनी वेरिएशंस आ रही हैं, वेरिएशंस की भी कितनी मतलब लिमिट आ रही है, ज़्यादा है कम है क्या है. डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट एंड द ED इज इक्वल टू जीरो. ये मैं आपको अगले वीडियो में समझाती हूँ, अभी के लिए इतना समझिए. अब जो ED इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर मैं देखूँ तो इसको मैं दो चीज़ों में डिवाइड कर सकती हूँ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो है. ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होती है तो उसका क्या मतलब है. मतलब जीरो होने का मतलब क्या होता है, सिचुएशन, इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन चेंज इन प्राइस कॉज नो चेंज इन द डिमांड. अब ये वाला डायग्राम देखिए, यहाँ प्राइस 10 था सपोज, ये प्राइस हो गया 20, ये प्राइस हो गया 30, दैट इज 40, क्लियर 40. मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, हमारा देखिए तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है पर हमारी डिमांड क्या है उतनी ही है. देखो डिमांड में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा, डिमांड इज अ स्ट्रेट लाइन. नॉर्मली हम पढ़ते हैं डिमांड हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, पर यहाँ पर देखो जब ईडी हमारा जीरो है तो हमारी डिमांड क्या हो रही है, स्ट्रेट लाइन हो रही है और हमारा प्राइस इस तरीके से क्या है इंक्रीज हो रहा है. दैट इज इट मीन्स कि हमारी ईडी क्या है जीरो. ऐसा किस सिचुएशन में होता है, जो हमारे बहुत नेसेसिटी गुड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन. अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हो और आपको डॉक्टर ने कहा है कि मेडिसिन परचेज करो और वो मेडिसिन महंगी है, स्टिल यू हैव टू परचेज दैट. आप ऐसा नहीं है कि मेडिसिन आज महंगी है तो आप नहीं खरीदोगे, जब सस्ती हो जाएगी आप तभी खरीदोगे, ऐसा नहीं होता. क्योंकि जो नेसेसिटी गुड्स हैं उनका चाहे प्राइस इंक्रीज हो जाए पर उनकी डिमांड पर असर नहीं पड़ता. एग्जाम्पल सॉल्ट, सॉल्ट बहुत नेसेसिटी है आइटम है, हमें सब्जी बनानी है, खाना बनाना है, कोई भी फूड आइटम है, सॉल्ट की ज़रूरत है. सॉल्ट महंगा हो जाएगा तो हम उसकी कंजम्पशन बंद नहीं कर देंगे, ठीक है. तो प्राइस उसका जितना भी है पर हमारी डिमांड क्या है वही सेम टू सेम रह रही है, दैट इज नोन एज द जीरो. और इसको हम एक और टर्म यूज करते हैं, दैट इज द परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. इसको हम कहते हैं कि डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक है. देखो मैंने बताया था ना इलास्टिक का मतलब क्या है, कि डिमांड में कितनी वेरिएशन आ रही है. इलास्टिक दो तरह की होगी, एक मोर इलास्टिक कहेंगे हम, एक लेस इलास्टिक कहेंगे. मोर इलास्टिक का मतलब जहाँ पे प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, डिमांड जो क्या है मोर चेंज हो रहा है उसमें, तो मतलब क्या है ज़्यादा इलास्टिक हुआ वो. ज़्यादा इलास्टिक कैसे, क्योंकि प्राइस के चेंज होने की वजह से हमारे डिमांड में क्या है ज़्यादा वेरिएशन आ रही है. पर ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में हमारी या तो कोई वेरिएशन नहीं आती या फिर लेस वेरिएशन आती है, लेस चेंज आता है, तो वो हमारा क्या होता है इनइलास्टिक. तो इसीलिए जो ये सिचुएशन है यहाँ पर डिमांड में हमारी कोई भी चेंज नहीं हो रहा तो इट इज़ नोन एज द परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. क्लियर. एक होता है ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट,
कि हमारा क्या जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इनफाइनाइट है, ये कौन सी सिचुएशन में होता है? इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन डिमांड इज इनफाइनाइट एट प्रिवेलिंग प्राइस अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे 20 रुपीज है एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस. और देखो इस चीज को ध्यान से समझना, देखो प्राइस आपका वही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, पर आपकी डिमांड चेंज हो रही है. से यहाँ पे पहले 10 थी, फिर डिमांड 20 हो गई, देन ये डिमांड क्या है 30 हो गई. मतलब प्राइस आपका सेम है, डिमांड आपकी क्या है इंक्रीज होती जा रही है. इस सिचुएशन में क्या था, प्राइस इंक्रीज हो रहा था और डिमांड सेम थी, यहाँ पे ऑपोजिट है. ऐसा किस केस में होता है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में. परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक ऐसी मार्केट, जैसे आप सब्जी मंडी जाते हो, सब्जी मंडी मार्केट इज एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. मतलब जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, और सभी क्या कर रहे हैं, एक ही तरह की चीज़ों को बेच रहे हैं. जैसे सभी सब्जियाँ बेच रहे हैं, अगर एक पर्सन, तो वहाँ पे क्या होता है कि सब्जी मंडी में आप जाओ तो वहाँ पे सभी क्या है, हर चीज़ का रेट क्या है आपको सेम मिलेगा. अगर एक भी पर्सन प्राइस को इंक्रीज कर देता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, ज़ीरो. क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, और भी लोग सब्जियाँ बेच रहे हैं, तो लोग क्या है उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे. तो सेम यहाँ पर, दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन. प्राइस में ज़रा सा भी अगर इंक्रीज हुआ तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज़ीरो. तो इसीलिए उसी प्राइस के ऊपर क्या है, डिमांड बढ़ती रहती है. आई होप ये क्लियर है. तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि इनफाइनाइट सिचुएशन कब होती है और ज़ीरो की सिचुएशन क्या है, कब होती है. नाउ दे आर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड. के डिमांड इलास्टिसिटीज कैसे क्या है इम्पैक्ट होती है, क्या क्या फैक्टर्स हैं. सबसे पहला क्या है, नेचर ऑफ कमोडिटी. किस तरह की कमोडिटी है, जैसे मैंने अभी बताया, अगर आपकी नेसेसिटी आइटम्स हैं, अभी जो हमने पढ़ा, अगर नेसेसिटी आइटम है तो चाहे उसका प्राइस इंक्रीज भी हो जाए फिर भी आप उसको परचेज करोगे, तो इट मीन्स दे आर नोन एज लेस इलास्टिक. क्लियर? लेस इलास्टिक कह लो या परफेक्टली इनइलास्टिक. अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, अगर आपके पास किसी प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल टी है, देखो अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है तो हम क्या कर देते हैं, कॉफ़ी के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं. ठीक है, मतलब हमारे पास सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, तो यहाँ पर हमारी डिमांड क्या है, डिमांड में वेरिएशन आ रही है. क्लियर? पर अगर हमारे पास सपोज टी का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता, कॉफ़ी नहीं होती, तो टी का प्राइस बढ़ने पे भी हमें क्या है, टी ही परचेज करनी पड़ती, तो उस केस में इसकी डिमांड क्या हो जाती, लेस इलास्टिक. तो जिसका भी सब्सटीट्यूट अवेलेबल होगा उसकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा इलास्टिक. क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड में क्या है, ज़्यादा वेरिएशंस आएंगी. डिफरेंट यूजेज ऑफ अ कमोडिटी, अगर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी आप घर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ होती है. घर के लिए भी आयरन करने के लिए क्लोथ्स को यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, खाना बनाने के लिए भी यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, मतलब क्या है, डिफरेंट यूजेज हैं हमारे पास एक कमोडिटी के. तो अगर एक का भी प्राइस इंक्रीज हुआ तो सभी का क्या है, प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा. यहाँ पे मोर नहीं आएगा, यहाँ पे लेस आएगा, इसको काट लीजिए. तो यहाँ पर क्या है, लेस इलास्टिक है. तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या है, काइंड ऑफ नेसेसिटी है, क्योंकि एक का भी अगर प्राइस इंक्रीज हो तो इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें उन सबका प्राइस क्या है, इंक्रीज हो जाएगा. तो हमारी डिमांड में क्या है, कम वेरिएशन आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी काइंड ऑफ नेसेसिटी गुड. नेक्स्ट इज द पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़, कि हमारा यूज़ क्या है, पोस्टपोन जिसका हम कर सकते हैं. जैसे मैंने बताया था कि आपको सपोज एक बाइक परचेज करनी है, बाइक अगर आपको लगता है कि दिवाली टाइम पे आपको ऑफर मिल जाएगा डिस्काउंट, तो हम क्या करते हैं कि हम दिवाली पे खरीद लेंगे, 3-4 महीने बाद खरीद लेंगे. इट मीन्स हम अपने यूज़ को क्या है, पोस्टपोन कर रहे हैं. ठीक है, पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़, मतलब जिसको आप पोस्टपोन कर रहे हैं, इट मीन्स वो मोर इलास्टिक है. अदरवाइज अगर आपको पता है कि इन फ्यूचर में आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो हम उसकी डिमांड प्रेजेंट में ही करेंगे. ठीक है, तो इट मीन्स इट इज लेस इलास्टिक. इनकम लेवल ऑफ बायर इफ हाई, देन लेस इलास्टिक. डेफिनेटली अगर किसी का भी इनकम ज़्यादा होगा तो उसको प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा. अगर कल भी वो सपोज कोई 10,000 की चीज़ परचेज कर रहा था, आज वो 15,000 की होगी और उसके पास एनफ इनकम है, तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. तो अगर किसी की इनकम ज़्यादा है तो वो लेस इलास्टिक होगा, क्योंकि उसकी डिमांड में कोई वेरिएशन नहीं आएगी. पर अगर वही चीज़ जिसकी इनकम लेस है उसके लिए चीज़ महंगी हो जाती है, तो उसकी डिमांड में वेरिएशन आएगी, या तो उसकी कंजम्पशन बंद कर देगा या फिर वो कोई सब्सटीट्यूट ढूंढना स्टार्ट कर देगा. नेक्स्ट इज द हैबिट ऑफ कंज्यूमर. कंज्यूमर्स की हैबिट के ऊपर भी डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे एल्कोहल,
एल्कोहल भी हैबिट होती है, कंज्यूमर जिसके लिए हैबिचुअल है उसकी डिमांड क्या होती है, लेस इलास्टिक. फॉर एग्जांपल अगर लिकर का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो क्या जो लिकर कंजम्पशन करते हैं उसको कंज्यूम करना बंद कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा. मतलब लिकर के प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से उनकी डिमांड पे कोई असर नहीं हो रहा. इट मींस दैट द हैबिट ऑफ कंज्यूमर कि वो चीज़ क्या है, लेस इलास्टिक है. प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी. नेक्स्ट इज कि आप कितनी इनकम स्पेंड कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आपने एक ब्रेड परचेज किया, पहले वो ब्रेड आता था 20 रुपीज का, अब वो ब्रेड हो गया 25 रुपीज का, तो आपकी डिमांड पे क्या है, हार्डली इसका असर पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आप बहुत मिनिमल अमाउंट इसके लिए पे कर रहे हो, दैट इज 20 रुपीज. सेम अगर आप कोई एसी परचेज कर रहे हो जो कि 20,000 का था सपोज, और अब उसका प्राइस हो गया है 40,000, तो यहाँ पर आपकी डिमांड पे असर पड़ेगा क्योंकि आप जो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा है. तो जहाँ पर आप क्या है कम प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड कर रहे हो वहाँ पर क्या होता है, लेस इलास्टिक होती है. जहाँ पे मोर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड कर रहे हो वहाँ पे मोर इलास्टिक होगा. नेक्स्ट इज द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड लेस इलास्टिक होगी शॉर्ट पीरियड के लिए. जैसे अगर मैं कहूँ कि आपको आज एक चीज़ परचेज करनी है और आपके पास 5 मिनट है, तो आप जल्दी जल्दी से बोलोगे कुछ भी परचेज कर लोगे. मतलब आपकी क्या है, डिमांड लेस इलास्टिक हो जाएगी, प्राइस को आप ज़्यादा नहीं देख पाओगे. पर वही चीज़ अगर मैं कहूँ आपको एक दिन दे दिया पूरा, आपने ये चीज़ परचेज करनी है और ध्यान से देखो, तो हम क्या है अपने प्राइसेस को भी मैच करेंगे, कंपेयर करेंगे और फिर उस चीज़ को परचेज करेंगे. तो टाइम पीरियड, शॉर्ट पीरियड में क्या होती है, हमारी डिमांड लेस इलास्टिक होती है, और जो लॉन्ग पीरियड होता है उसमें हमारी डिमांड मोर इलास्टिक होती है. सो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो उसमें हमारी डिमांड क्या होगी, मोर इलास्टिक या लेस इलास्टिक. देखो क्वेश्चन ये इजी हैं, जस्ट आपको क्या है कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए. जितना भी मैंने अभी तक करवाया है, 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ये 3rd लेक्चर है, सारे सीरियल वाइज ही देख रहे हैं, बीच बीच से मत देखिएगा. अगर आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है तो मत देखिएगा क्योंकि चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है. तो यही फैक्टर्स हैं इम्पैक्ट करते हैं. इसके ऊपर अभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, बट देयर आर चांसेस. पर इलास्टिसिटी से हर साल क्या है एक ना एक क्वेश्चन आ रहा है, तो यू शुड डू दैट. अब इलास्टिसिटी में क्या है, न्यूमेरिकल्स हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात. तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपको थ्योरी क्वेश्चन आता है, एक आपको न्यूमेरिकल आता है. हाउ टू सॉल्व दीज न्यूमेरिकल, तो सबसे पहले यू शुड नो द फॉर्मूला. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 2 फॉर्मूले हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. सबसे पहला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. हमने अगर आपने देखा हो तो हमने सबसे पहले डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. वही चीज़ ये फॉर्मूला बता रहा है कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड में डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस. अब इसका एक न्यूमेरिकल देखो. देखो अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज रुपीज 10, एक कमोडिटी का प्राइस 10 है एंड द डिमांड इंक्रीज हुई है बाय 50%. बाय का मतलब है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आपको गिवन है, डिमांड इंक्रीजेस बाय 50% टू फॉल इन द प्राइस बाय 2. मतलब आपका पहले इतना था प्राइस और अब आपका प्राइस क्या है, फॉल होकर इतना हो सके. बाय का मतलब होता है आपको चेंज दिया हुआ है. अगर 2 होता तो 10 - 2 होके 8 हो जाता. आई होप इतना तो क्लियर होगा आपको बाय का मतलब क्या है एंड फ्रॉम का मतलब क्या है. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़ थी उसका प्राइस पहले 10 था, उसका प्राइस अब 2 हो चुका है और यहाँ पे क्या इतना ही है. तो हमारा अगर फॉर्मूला देखूँ मैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये चीज़ हमारे पास गिवन है, दैट इज 50%. परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमने निकालना है. हमारे पास चेंज गिवन है, चेंज इन प्राइस हमारे पास गिवन है, दैट इज 2. हम परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं. कैसे निकलेगा, अगर परसेंटेज निकालनी होती है, चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100. इट मींस 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 20%. क्लियर? या आप जैसे मैथ्स भी करा होगा तो मैथ्स में हम परसेंटेज करते हैं, तो ये सिंपल फॉर्मूला है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है. इसके बाद क्या आपने अपने फॉर्मूले में फिक्स कर देना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 50% डिवाइडेड बाय 20% इज इक्वल टू 2.5. सो दिस इज योर आंसर. अब यहाँ पे देखो,
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने आपको जीरो बताया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने आपको ये चीज़ बताई। अब जब यहाँ होता है ना तो ये भी चीज़ आपको बतानी होती है। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर वन से ज़्यादा आ जाती है, जैसे 2.5 है, इट मीन्स इट इज़ मोर इलास्टिक, मतलब डिमांड में ज़्यादा वेरिएशन है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन वन आता है तो इट मीन्स लेस इलास्टिक, मीन्स कम वेरिएशन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। अब दूसरा जो फॉर्मूला है इलास्टिसिटी, देखो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अगर आपको ऐसे परसेंटेज में क्वेश्चन आएगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक दूसरा क्वेश्चन है वो ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान देना। दैट इज हम माइनस का साइन यहाँ पे लगाते हैं, पी डिवाइडेड बाई क्यू मल्टीप्लाई चेंज इन क्यू एंड द चेंज इन पी। चेंज इन क्यू यहाँ पर क्या होता है, पी इज द इनिशियल प्राइस, क्यू इज द इनिशियल प्राइस, चेंज इन क्यू प्राइस। आपको मैं आपको ना क्वेश्चन से समझाती हूँ, आपको क्लियर होगा ज़्यादा। देखो प्राइस, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹4 द डिमांड इज 1, मतलब पहले प्राइस जब ₹4 था तो उसकी डिमांड कितनी थी 1, और जब प्राइस फॉल हो गया ₹2, मतलब 4 से प्राइस ₹2 हो गया तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो चुकी है 4 यूनिट्स। मतलब पी था हमारे पास 4 और P1 हमारे पास है 2, Q था हमारे पास 1 एंड Q1 हमारे पास है 4। अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला कहता है P डिवाइडेड बाय Q, इट मींस इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल Q, चेंज इन Q एंड चेंज इन प्राइस थी जो प्राइस इंक्रीज हुआ है, जैसे वहाँ से 4 से 2 हो गया, सॉरी प्राइस 4 से 2 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो गया, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी मैंशन है P इज द इनिशियल प्राइस, Q इज द इनिशियल एंड डेल्टा क्यू डेल्टा पी चेंज इन द प्राइस इन क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर डेल्टा पी क्या होगा, चेंज इन पी इज इक्वल टू पी वन माइनस पी, हमेशा इसी तरीके से होता है ये, दैट इज 2 - 4 इज इक्वल टू -2। सेम केसेस विद द डेल्टा क्यू, दैट इज 4 - 1 इज इक्वल टू 3। यही मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, P ये है, P1 ये है, चेंज इन दिस, अब बस उस फॉर्मूले में पुट कर दिया है हमने। कैसे होगा, माइनस का साइन हमने यहाँ पे लगाया, 4 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन दिस, और ये आपका आ गया आंसर 6। इट मीन्स 6 इज मोर देन 1, AD इज मोर देन 1, तो ये क्या है, मोर इलास्टिक है। इसी के ऊपर आपको क्या, इस बार जो CAPF 2019 है उसमें क्वेश्चन आया है वो हम देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था आपको और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन है, सपोज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज फ्रॉम ₹90 टू ₹110, द डिमांड कर्व शो दैट द कॉरस्पॉन्डिंग रिडक्शन इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज फ्रॉम 252, मतलब P1 Q1, now you just need to put into the formula, मतलब डिपेंड करता है आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया है तो आप P by Q वाला फॉर्मूला लगाएंगे, चेंज इन Q चेंज इन P। अगर आपको परसेंटेज में डेटा गिवन है तो आप परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये जो मैंने क्वेश्चन कराया था, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। और एक क्वेश्चन आपको ये आया था, मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं मेंशन किए हैं, ये CAPF 2019 के क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा जीरो प्राइस इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, मैंने आपको जान के यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए हैं, आई वांट यू टू पॉन्डर अबाउट दिस, के सोचिए, अपना दिमाग लगाइए और आंसर कीजिए। अब हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था इवन कि जीरो इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, सिचुएशन व्हेन चेंज इन प्राइस कॉजेज नो चेंज इन डिमांड, और सेम क्या है हमारे पास वहाँ पे ऑप्शन था। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, 8 to 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, यू कैन नॉट स्किप दैट पार्ट। कुछ ही टॉपिक्स हैं जो आपको डिटेल में थोड़े अच्छे से करने की ज़रूरत है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट स्किप दैट पार्ट, तो इसको बहुत अच्छे से करिए, फाइन। और प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, सीरियल वाइज ही लेक्चर्स को देखिए। सो थैंक यू।